नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूं तो हमारे संसार में बहुत से रहस्यपूर्ण स्थान हैं, लेकिन कई स्थान तो ऐसे हैं जिनके रहस्य को आज भी सुलझा पाना बेहद नामुमकिन है। और तो और, जब भी कोई हमसे किसी रहस्यमय स्थान की बातें करता है तो हमारे दिलो दिमाग में कई तरह के प्रश्न आते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है प्रकृति की एक खूबसूरत पहाड़ी का। अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित एक ज्वालामुखी, जिसे ज्वालामुखी तो कहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर कई हजार वर्षों से एक भी विस्फोट नहीं हुआ। इस पहाड़ी को धोसी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का ये कहना है कि इस पहाड़ी से कई आयुर्वेद के रहस्य जुड़े हुए हैं। धोसी पहाड़ी जो कहने को ज्वालामुखी है, लेकिन वास्तविक रूप में इस पहाड़ी के भीतर कई आयुर्वेदिक गुण छिपे हुए हैं, जिनमें से एक है च्यवनप्राश, जिसे आयुर्वेद की सबसे महान खोज भी माना गया है। लेकिन आजकल कोई शायद ही जानता होगा कि च्यवनप्राश जैसी आयुर्वेदिक दवा इसी पहाड़ी की देन है। ये पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इसके बारे में लोगों का कहना है कि ये एक चमत्कारी पहाड़ी है और इसके रहस्य को ना तो कोई जान पाया है और ना ही जान पाएगा। यदि कोई इसके रहस्य और आयुर्वेदिक गुणों को जानने का प्रयास करे तो उसके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। धोसी पहाड़ी जो रहस्यपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ ही इस पहाड़ी की बातें भी अजीबोगरीब हैं। इस पहाड़ी के नीचे एक गांव भी बसा हुआ है, जहां के लोगों का ये कहना है कि यहां पर कई ऋषियों ने तपस्या की है, जिस कारण इस पहाड़ी पर आयुर्वेद के महान तत्व स्थापित हो चुके हैं। आज भी पहाड़ी के एक तरफ एक ठोस लावे को देखा जा सकता है, जो कि लाखों वर्ष पुराना है। वैदिक काल में लिखे गए वेदों की रिसर्च करने वाली ब्रह्मावर्त रिसर्च फाउंडेशन का कहना है कि इस पहाड़ी पर बैठकर महान वेदों की रचना की गई है। धोसी पहाड़ी एक ऐसी चमत्कारी पहाड़ी है कि जो भी व्यक्ति इस पहाड़ी पर बैठकर जो भी वेद लिखता है, ये पहाड़ी उस महान व्यक्ति और उसके वेद के महान तत्व अपने अंदर स्थापित कर लेती है। 46 दुर्लभ जड़ी बूटियों को मिलाकर यहाँ पर च्यवनप्राश का फॉर्मूला तैयार किया गया था। और तो और, कायाकल्प के निर्माण के प्रमाण भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कायाकल्प एक ऐसी दवा है जिसे अच्छी त्वचा और स्वास्थ्य के लिए तैयार किया गया था, और इसका निर्माण भी इसी पहाड़ी पर किया गया था। धोसी पहाड़ी के आयुर्वेदिक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए इस पर एक किले का भी निर्माण किया गया। इस पहाड़ी का रहस्य आज भी कायम है कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या है जो कि ये महान वेदों, व्यक्तियों और ऋषियों के महान गुणों को अपने अंदर स्थापित कर लेती है। और साथ ही जब ये पहाड़ी ज्वालामुखी है तो इसमें आज तक कोई विस्फोट क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल मिस्टीरियस नाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही कुछ ऐसी ही दिलचस्प वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।